तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा गुरुवार को जम्मू पहुंचे। वो सुबह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से जम्मू के लिए निकले थे। रात को दलाई लामा जम्मू में ही रुकेंगे और शुक्रवार को लद्दाख के लिए रवाना होंगे, जहां वे आयोजित समारोह में भाग लेंगे। उनका ये दौरा करीब 4 साल बाद हो रहा है, जबकि वो पहले अक्सर वहां जाते रहते थे। इतने वर्षों के भीतर भारत और चीन के बीच नए तरह के तनाव पैदा हुए हैं। अब जम्मू पहुंचे दलाई लामा ने कहा है कि चीन से आजादी नहीं बल्कि उसके भीतर ही तिब्बत के लिए स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। दलाई लामा ने कहा कि चीन के ज्यादातर लोगों को ये एहसास है कि वो चीन के भीतर स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि तिब्बती बौद्ध संस्कृति के सार्थक स्वायत्तता और संरक्षण चाहते हैं। दलाई लामा ने ये भी कहा कि चीन के लोग नहीं लेकिन कुछ चीनी कट्टरपंथी मुझे अलगाववादी मानते हैं। ज्यादातर चीन के निवासी ये महसूस कर रहे हैं कि दलाई लामा स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं। चाइना इज ऑब्जेक्टिंग योर विजिट ना? नॉट चाइनीज पीपल, सम चाइनीज हार्ट लाइनर, दे कंसीडर मी स्प्लिटिस्ट एंड रिएक्शनरी, सो ऑलवेज क्रिटिसाइज मी। बट नाउ मोर एंड मोर चाइनीज नाउ रियलाइज Dalai Lama not seeking independence, but within China, within people's of China, meaningful autonomy. Now this respect, more and more Chinese now really showing interest about Tibetan Buddhism. They realize some of the Chinese scholars, they realize Tibetan Buddhism is truly a knowledge tradition and a very scientific religion. कोरोना महामारी फैलने के बाद से धर्मशाला में अपने बेस के बाहर दलाई लामा का ये पहला आधिकारिक दौरा है, यानी करीब 2 साल बाद उनका ये दौरा हो रहा है। इससे पहले दलाई लामा ने 2018 में लद्दाख में अपना जन्मदिन उत्सव मनाया था। उस दौरान भी ड्रैगन की ओर से भारत के प्रति कड़ी आपत्ति जताई थी। अब एक बार फिर लेह के दौरे पर दलाई लामा निकले हैं। आपको बता दें कि चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है। चीन ने जब तिब्बत पर हमला किया तो तिब्बत की हार हुई। चीन ने कई बार तिब्बती धर्मगुरु को पकड़ने की कोशिश की लेकिन दलाई लामा किसी तरीके से जान बचाकर भारत आ गए थे। 1989 में दलाई लामा को शांति का नोबेल सम्मान भी मिला था।